छमासर घाटी में 93 आतंकी सफा 24 घंटे 9 आतंकी सेना गुड़ निपात सोपिया सेना गुड़ में टलिले 9 आतंकी हिजबुल्ला तीन बड़ मुंड सामिल जम्मू काश्मीर तीन सुरक्षा बल पक्ष जारी रही मिलित ऑपरेशन रे सोमवार बड़ सफलता मिली सोपिया चारिजण आतंकी को सेना मारे सफल हो जम्मू काश्मीर पुलिस को गुइंदा रिपोर्ट मिलवा पर सेना पक्ष मिलित ऑपरेशन आरंभ कर चारि घंटा धरी चली गुड़ विनिमय बिना कौन क्षति में आतंकी मानक मारे सफल होता सेना गत दुई सप्ताह मध्य काश्मीर भयर माहौल को काबू करने सेना पक्ष अभियान जोरदार कर दुई सप्ताह 9 बड़ ऑपरेशन 22 आतंकी को घाटी सफा कर सफल होती सेना जो 6 जन हाई प्रोफाइल आतंकवादी रही आज शोपिया में सिक्योरिटी फोर्स ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पिछले 48 घंटे में उसी डिस्ट्रिक्ट में हमने 9 आतंकवादियों को मार गिराया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में रीढ़ की हड्डी जो है टेररिज्म की उसको तोड़ दिया है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने। लोकल सपोर्ट कम हो गया है, उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। हमारे SOPs इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ और रेडिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम हो गई है। पाकिस्तान के मंसूबे अब नाकामयाब होते दिख रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट ऑपरेशंस डन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस शोपिया में कल रेबेन इलाके में हुआ, आज दूसरे इलाके में हुआ। कल 5 आतंकवादियों को हमने मारा और आज हमने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। बहुत बढ़िया और उम्दा काम कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। यही समय रियाज नायको एवं जुनेद सेराई परी टॉप आतंकी कमांडर के साथ जैसे मोहम्मद लश्कर ए तोयबा एवं पाकिस्तान रो अनेको आतंकी कमांडर को मारे सफल होई सेना। सेपरी कश्मीर अवंतीपुरा रे आतंकी संगठन रे शामिल हेबाकु जाउतिबा 3 जन युवक को मुख्य स्रोत को फेराई अणा देछि। या सह जे माने युवक मानकु आतंकी संगठन रे शामिल कराइबाकु चाहुतिले सेमानकु गिरफ करा देछि। जम्मू काश्मीर रे सुरक्षा कर्मी को प्रतिष्ठारु शांति फेरिबारे लागिछि एवं पाकिस्तान रो प्रतिटि चाल फेल मारिछि। सुरक्षा कर्मी आतंकी मानकु कड़ा जवाब देउछन्ति बोली प्रतिरक्षा विशेषज्ञ प्रतिक्रिया रखिछन्ति। हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं और जिनके नाम पे गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। दर्जनों बेगुनाह लोगों का कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ऊपर हमले, लोगों को डराना धमकाना जबरदस्ती लोगों के घरों में घुसना, इस तरह की बहुत सारी इल्जामात की फ़रिश्त उनके खिलाफ है जिसके चलते मैं जो समझता हूँ कि उस खत्ते में ख़ासतौर पे साउथ कश्मीर में जहाँ पर जो ऑपरेशंस हुए हैं लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। एक्सेलेंट जॉब इन द लास्ट 24 आवर्स इन विच वी हैव बीन एबल टू न्यूट्रलाइज 9 टेररिस्ट इन द 24 आवर पीरियड। द हाईलाइट ऑफ कोर्स इज दैट इट वॉज विथ मिनिमल ऑब्लिक नो कोलैटरल डैमेज both to property as well as to the population in the vicinity, and this we have been able to basically do because of the professionalism of all the agencies involved, starting from the int given by the Jammu and Kashmir police, the solid crowd control done by the CRPF, and the appropriate tactics that were used by the forces on ground to ensure that it was done in the most professional manner. आगामी दिन में कश्मीर उपत्यका रे आहुरी अधिक एनकाउंटर हेबार संभावना रही। बरफ तरलिबा को नजर रखी आगामी दिन में पीओके रु कश्मीर रे अशांति सृष्टि करने को चेष्टा करि परंती। ब्यूरो रिपोर्ट द ऑर्गस्टोडिंग।